मजबूर हूँ और करोड़ा मरतबा उसका शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें आने वाला की खिदमत करने का मौका फराहम किया। मैं जितना भी शुक्र अदा कर रहा हूँ वो कम है, तो मैं इस मौका में ये खिदमत का सिलसिला शुरू करने से पहले एक ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह विदन बन भी हमारे और मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय तखलीक कायनात और शाफी लेक्चर के पदाइश के मौका पे हमने सिर्फ नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं तमाम मकासबे शहर के लोगों से, शहर की तंजीम से, तमाम दोस्तों से अपनी जाती हैसियत में दावतनामे लेके जाऊंगा। तो सेकंड इसमें यह है कि आरफ वाला की खिदमत का जो बेड़ा हमें दिया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सौंपा है, मैं ये समझता हूं कि ये सिलसिला जो अब शुरू होगा मैं अकेला नहीं कर सकता, ना ही मेरा चेयरमैन कर सकता है। ये 44 का हाउस है, पूरे का पूरा हाउस अगर मुझे होकर चलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से हम तमाम मुसाइल को हल करेंगे। मेरा ये एक खौफ था कि आने वाला नीट एंड क्लीन हो, ग्रीन हो और पीसफुल हो, तो ये था इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से पूरा होगा। मैं ये बुलंदों पर दावे तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि हमारे काम आपको बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें आप दोस्तों की, मुख्तलिफ मकातबाए फिक्र के लोगों की, प्रोफेसर हजरात की, डॉक्टर हजरात की, वुकला की, दीगर शहरी तंजीमों की, तमाम दोस्तों से मदद की अपील करता हूं कि आप हमें रहनुमाई फरमाएं ताकि इस शहर को साफ सुथरा और मिसाइल से पाक किया जाए। तो मैं तवक्को करता हूं कि आप तो हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें अपने कीमती वोट से मुंतखब करके इस हाल में भेजा जो 44 लोगों का हाउस है, तो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें मुंतखब कर दिया और उसके बाद काउंसलर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब किया। ये अल्लाह के फजल से हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारा फर्ज है कि आपका एक एक पैसा जो बल्दिया की मद में हमारी जरूरियात को पूरा करेगा, जिसे हम खर्च करेंगे, वो हमारे पास आपकी अमानत है। और मैं ये बुलंदो बात दावे से कह सकता हूँ कि ये पैसा इंशाअल्लाह मेरे रब्बुल इज्जत देकर हमें हिम्मत दी तो बिल्कुल जायज तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी जायज तरीके से इस्तेमाल करने की किसी भी तरह की कोई भी कोशिश अगर होगी तो वो मैं नाकाम बनाऊंगा। मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपना वादा निभाने की आखिर में मैं एक शायर का खूबसूरत पंजाबी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी चलना है मौत तो पहला ऐसा नगर में वेखना जिसने बासी एक दूजे ना जरा ना नफरत करते होवन, जिसने हाकम डरते पिछे सपा वांग ना डरते होवन, जिथे लोकी मरण तो पहला रोज रोज ना मरते होवन।